सो नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग टू चैप्टर का डिटेल एनालिसिस बराबर वी आर स्टार्टिंग विद इंडियन यूनियन बजट बहुत प्यारा टॉपिक है ऑन एन एवरेज थ्री टू फोर मार्क्स के क्वेश्चन नाउ प्लीज लिसन एंड अंडरस्टैंड मेरे हिसाब से बराबर आपको पांच पॉइंट पढ़ने चाहिए इस चैप्टर में नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हर अटेम्प में ऑलमोस्ट एग्जाम्पल्स क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ डेफिसिट जिसमें भी सबसे ज्यादा फिजिकल डेफिसिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफ पैक थर्ड इंपॉर्टेंट फाइनेंस बिल और बजट स्पीड छोटा छोटा सा कंसेप्ट है नथिंग एल्स तो शुरू करते हैं एक एक करके सबसे पहले शुरू करते हैं बजट से बजट आप सब लोगों ने पढ़ा है मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं वॉट इज द मीनिंग एंड ऑल नाउ लेकिन आपको इतना पता है कि बजट फाइनेंस मिनिस्टर बराबर साल में एक बार प्रेजेंट करते हैं हाँ कि ना नाउ बजट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बजट इज ऑलवेज फॉर द नेक्स्ट ईयर राइट तो बजट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड बजट कभी भी एक्यूरेट नहीं होता बजट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बजट के दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक होती है रिसिप्ट गवर्नमेंट को पैसा कहां से आएगा बराबर है और एक होता है एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का पैसा कहां जाएगा ठीक है एट द एंड ये दोनों टाली होने चाहिए बराबर क्योंकि रिसिप्स होगी तो ही हम खर्चा कर पाएगी अपनी इंडियन गवर्नमेंट पर अगर कम पड़ता है अगर रिसिप्स आर लेस तो उसे हम डेफिसिट कहते हैं और रिसिप्स अगर ज्यादा है तो उसे हम सर कहते हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बजट का ये है कि रिसिप्ट आर ऑफ टू टाइप्स और इसके ऊपर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं एक्सपेंडिचर आर ऑफ टू टाइप्स रिसिप्स आर ऑफ टू टाइप्स दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट and expenditures are of two types revenue expenditure and capital expenditure barabar sawal ye hai ki dono ke beech mein difference kya hai which items are called revenue which items are called non revenue matlab मतलब capital now to inhone ek definition diya hai jo definition bhi exam में कम से कम दो बार पूछा गया है Now हर वो government का expenditure दो बातें हैं हर वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कंट्री के एसेट्स को बढ़ाता है या फिर कम करता है एनी एक्सपेंडिचर विच बराबर अफेक्ट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंट्री इज अ कैपिटल आइटम नाउ कैपिटल आइटम्स पहले समझ लो अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं मतलब गवर्नमेंट ब्रिजेस uh, बना रही है डैम्स बना रही है स्कूल्स क्रिएट कर रही हैं रोड्स बना रही हैं बाहर से कुछ मशीनरीज बाय कर रही हैं बराबर ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसे एसेट क्रिएट हो रहे हैं या फिर लाइब्रिटी रीपे हो रही है लोन रीपे कर रही है पास्ट ईयर में कोई लोन लिए होंगे तो वो रीपे कर रही है बराबर ना अगर एसेट इंक्रीज हो रहे हैं या लाइब्रिटीज डिक्रीज हो रही हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं

एसेट्स और लाइबिटीज को अफेक्ट नहीं करता वो रेवेन्यू है कोई भी ट्रांजेक्शन जो एसेट्स और लाइबीज को अफेक्ट करता है वो कैपिटल है आप पहले इसको करना सीखो बराबर है एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं है। पॉइंट अब देखो यहां पे क्या लिखा है रिसिप्ट बजट का मतलब ही क्या है इट इज अ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बराबर है अब देखो रिजल्ट्स इनटू अगर कोई भी खर्चा या कोई भी रिसिप्ट रिजल्ट्स इनटू क्रिएशन ऑफ एसेट्स रिजल्ट इन टू इंक्रीज और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज कोई भी खर्चा जो एसेट्स और लाइबिलीज को अफेक्ट करता है यस yes, अफेक्ट करता है तो कैपिटल है और वो अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करता नो no, वो अफेक्ट नहीं करता तो रेवेन्यू है अब मैंने ना इसमें टोटल बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देख लो क्या है नाउ गाइज हंड्रेड परसेंट सारे एग्जाम्पल्स को कवर कर रखा है मैंने जितने भी एमसीक्यूज आते हैं बस मैच करना आपका काम है बराबर ना गवर्नमेंट का रोज का इनकम रेगुलर इनकम इज रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट ये दो ब्रॉड कैटेगरी में है एक तो टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कोई भी तरीके से टैक्स कलेक्शन आता है कि रोज की इनकम है गवर्नमेंट की इट्स अ रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू पेनल्टीज इंटरेस्ट कमाना डिविडेंड्स कमाना पब्लिक सेक्टर यूनिट से प्रॉफिट्स कमाना ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू है रेगुलर इनकम सिर्फ तीन ही दो ही है टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर टैक्स रेवेन्यू के एग्जाम्पल्स आ जाए तो रेवेन्यू रिसिप्स होगा ओके कैपिटल रिसिप्स तीन है लोन अगर गवर्नमेंट लोन लेती है तो इससे लाइविटी इंक्रीज हो जाती है यस लोन गवर्नमेंट किससे ले सकती है फॉरेन कंट्रीज से लोन ले सकती है पैसा तो आया ना पब्लिक से लोन ले सकती है और एट द एंड से ले, लोन ले सकती है लेकिन कोई भी गवर्नमेंट कभी भी लोन लेना नहीं चाहती लोन इज ऑलवेज फॉर द गवर्नमेंट लास्ट ऑप्शन कम पड़ता है तो वो डिसमेंट करती गवर्नमेंट मतलब अपनी कंपनियां बेचती है अपने एसेट्स को बेचती Now, में कभी भी हमने भी किसी को लोन दिए होंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को बराबर है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमने भी फॉरेन कंट्रीज को लोन दिया है तो वो लोन की रिकवरी हो रही है बराबर ना तो वो लोन आ, पिछले साल लोन किसी को दिया था तो सामने वाला जो बॉर है वो अपने को रिपे करेगा तो इस साल अपने को कलेक्शन आ रहा है तो रिकवरीज ऑफ लोन तीन टाइप के हैं जो कैपिटल रिसिप्ट हो सकते हैं बराबर ना लोन टेकन फ्रॉम लोन रिकवरी एंड डिसमेंट ओके लेकिन गवर्नमेंट लोन सिर्फ तब लेती है जब गवर्नमेंट को क्या होता है डेफिसिट्स नहीं तो गवर्नमेंट कभी भी लोन लेना नहीं चाहती बराबर है डेफिसिट्स के केस में लोन लिया जाता है पर अगर लोन लिया तो कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा ओके नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलर पेमेंट्स है रेगुलर एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडमिट को सैलरी देना लोन पे इंटरेस्ट देना पेंशन देना ये सारी चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पे आज तक कभी एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नहीं पूछे गए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एसेट्स क्रिएट करना अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और अगर मैंने किसी कंपनी को लोन्स दिए हैं कंट्रीज को तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है बराबर नाउ ये सारी चीजें समझ में आई ऑल ऑफ यू ठीक है नाउ अब देखो इसी के बेस पे एग्जाम्पल्स के बेस पे देखो किस टाइप के क्वेश्चन आए सबसे फेवरेट उनका लोन्स है नाउ सी टू इट लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम ट्रेजरी बिल

लेकिन ये गवर्नमेंट का खुद का पैसा है जो रिसीव हो रहा है ये नॉन डेप्ट है और रिकवरीज ऑफ लोन भी नॉन डेप्ट है बराबर इसी के ऊपर एग्जाम्पल पूछा गया है। देख लो ना विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट ऐसी कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है जो लोन नहीं है नॉन डेप्ट का मतलब जो लोन नहीं है तो सुनो रिसिप्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम इंडियन सेल ऑफ शेयर्स अब ये एग्जाम्पल्स हैं सेल ऑफ शेयर्स का मतलब डिस इन्वेस्टमेंट बराबर सेल ऑफ शेयर्स इंडियन बजट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज नॉन क्रिएटिंग एक्सेप्ट मुझे वो चाहिए जो डेप्ट क्रिएटिंग है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग नहीं है तो ये मेरा आंसर नहीं है क्योंकि नॉन डेप्ट है रिकवरीज ऑफ लोन्स प्रीवियसली डिस हमने किसी को लोन दिया था वो रिकवर हो रहा है तो ये भी नॉन डेप्ट है ये भी मेरा आंसर नहीं है रिकवरी ऑफ लोन प्रीवियसली गवर्नमेंट टू इंडियन ये भी बराबर है नॉन डेप्ट है डेप्ट रेज मतलब लोन टेकन इससे मेरा डेप्ट क्रिएट हो रहा है तो डी इज द आंसर तो कैपिटल रिसिप्ट में नॉन डेप्ट और भी देखना होगा डेप्ट का मतलब वी आर टेकिंग द लोन नॉन मतलब वी आर गिविंग द लोन बराबर एक और एग्जाम्पल हर साल एग्जाम्पल आए हैं रिसिप्ट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया शेयर सेक्टर अंडरटेकिंग इस बार भी शेयर आए इसे डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं

एग्जाम में दो दो बार कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए वो डाले नहीं है बराबर हर वो वो चीज एसेट्स और को रिफ्लेक्ट करती है वो है कैपिटल आइटम होता फिर आपको देखना ये भी देखो रिसिप्ट बाई गवर्नमेंट ऑफ डिसमेंट डिस इन्वेस्टमेंट और लोन ये तो गवर्नमेंट के फेवरेट एग्जाम्पल है बराबर कैपिटल रिसिप्ट

तो लॉजिकली क्या ही पूछा बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड इंपॉर्टेंट तो आपको एग्जाम्पल समझे कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट किसे कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है guys, हर बार एग्जाम में आया है आप इसे छोड़ नहीं सकते ओके नाउ okay? अब आ जाओ टाइप्स ऑफ डेफिसिट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बस इसके बाद चैप्टर लॉजिकली खत्म हो जाता है टाइप्स ऑफ डेफिसिट बराबर नाउ लॉजिकली टाइप्स ऑफ बजट देख लो बजट तीन टाइप के होते हैं एक बैलेंस बजट बराबर इसका मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट दोनों इक्वल हो गए ये कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि दोनों एग्जैक्टली exactly इक्वल हो जाए ये को हो सकता है प्रैक्टिकली लेस कुछ ना कुछ तो थोड़ा डिसबैलेंस रहेगा ही सरप्लस बजट हर गवर्नमेंट ये चाहता है कि उनका बजट सरप्लस हो मतलब रिसिप्ट आर मोर देन दियर एक्सपेंडिचर डेवलप कंट्रीज डेफिसिट बराबर डेफिसिट में ये मिस्टेक है टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल is एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर receipts. प्लीज उसे कर ले कर लेना अगर आप रहे हैं तो हो गई सिर्फ इतनी है. ये ऐसा होना चाहिए टोटल रेवेन्यू इज लेस है? और वाइस वर्सा टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर ओके दोनों एक ही है समझा ना एग्जाम में सरप्लस और बैलेंस पे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है डेफिसिट पे गजब क्वेश्चन आए हैं बराबर डेफिसिट चार टाइप के होते हैं रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट बराबर अब ये फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट और बजट डेफिसिट होते क्या है तो जरा देखो नाउ ज्यादा करके क्वेश्चन फिजिकल डेफिसिट पे आते हैं

आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर टोटल आई एम टॉकिंग अबाउट सिर्फ रेवेन्यू की बात हो रही है तो सिर्फ रेवेन्यू के आइटम्स कंसिडर करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मोर देन रेवेन्यू रिसिप्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रेवेन्यू रिसिप्स तो आप उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे ठीक है इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स कंसिडर होंगे कैपिटल आइटम्स कंसिडर नहीं होंगे ठीक है ओके फिजिकल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट का खुद का पैसा बराबर है इस साल के एक्सपेंडिचर्स के लिए कम पड़ गया मतलब अभी तक लोन नहीं लिया है ओके माइनस टोटल रिसिप्ट लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोविंग आप कंसीडर नहीं करेंगे इसके ऊपर उल्टे सीधे बहुत सवाल पूछे सुनो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इसमें टोटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे इज मोर देन टोटल रिसिप्ट लेकिन एक्सक्लूडिंग लोन्स मैंने कहा ना इसका मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब यह हुआ इसका मतलब यह हुआ कि रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट में रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट में बराबर आप लोन नहीं लेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट सारे आएंगे कैपिटल रिसिप्ट मैंने आपको तीन आइटम्स बताए थे ये देखो फर्स्ट जो लोन है सेकेंड डिसइन्वेस्टमेंट है थर्ड रिकवरी ऑफ लोन है हम सिर्फ सेकेंड और थर्ड लेंगे लोन नहीं लेंगे एक्सक्लूडिंग में तो सुनो। फॉर्मूला इसमें सिर्फ कैपिटल आइटम्स के सेकेंड और थर्ड आइटम आएंगे लोन्स नहीं आएगा ठीक है अब सर लेकिन फिस्कल डिफिजिट कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं यह पता लगाना है कि गवर्नमेंट को लोन कितना लेना पड़ेगा अच्छा तो लोन इंक्लूड कैसे कर सकते हो फिजिकल डेफिसिट का मतलब है रिक्वायरमेंट। आपको कभी कभी एग्जाम में क्या पूछा जाएगा मैं? So अच्छा क्योंकि फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट इसलिए करते हैं ताकि ये पता चले कि कितना पैसा शॉर्ट है हमको कितना लोन लेना है Now, ये चीज समझा ऑल ऑफ यू ना इट इंडिकेट्स बोरोविंग रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर ठीक है ना तो फिजिकल डेफिसिट हमको गवर्नमेंट को यह बताता कि कितना लोन लेना पड़ेगा तो लोन इंक्लूड नहीं करेंगे ओके प्राइमरी प्राइमरी डेफिसिट 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 और दोनों similar है। दोनों सिमिलर के बीच में खाली इंटरेस्ट का फर्क है आपको अगर प्राइमरी डेफिसिट पूछा जाए ना तो आप पहले फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करें फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करके उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दें एग्जाम्पल्स में आपको फिजिकल डेफिसिट दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दें डेफिसिट से तो फिजिकल डेफिसिट आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सक्लूड करेंगे तो प्राइमरी डेफिसिट तो आएगा तो प्राइमरी डेफिसिट आएगा ठीक है एक्सक्लूडिंग माइनस का मतलब क्या है आप एक्सक्लूड कर रहे हो ओके okay. बजट डेफिसिट बजट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट में एक डिफरेंस है ये इंक्लूडिंग लोन है टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट इंक्लूडिंग लोन अगर एक्सक्लूडिंग लोन होता तो फिजिकल डेफिसिट बन जाता सर क्या फर्क पड़ रहा है अब सुनो मुझे पता है अब सुनो 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 ये चारों है ना एक्चुअली एक दूसरे से रिलेटेड है ये डेफिसिट है एक्सक्लूडिंग लोन बजट डेफिसिट है इंक्लूडिंग लोन लोन लेने के बाद ही पैसा कम पड़ रहा है ठीक है प्राइमरी डेफिसिट है एक्सक्लूडिंग लोन एंड एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ओ यस आपको चाहिए था फॉर्मूले याद रख लो बराबर ना ठीक है ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स है एकदम माइनर माइनर सा फर्क है सो विच इज द वर्स्ट बजट डेफिसिट कोई भी गवर्नमेंट को बराबर है बजट डेफिसिट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स बजट डेफिसिट का मतलब है लोन लेने के बाद भी हमने आरबीआई से लोन ले लिया पब्लिक से लोन ले लिया और फॉरेन कंट्री से भी लोन ले लिया फिर भी पैसा कम पड़ रहा है बजट डेफिसिट इज अ वर्स्ट सिनेरियो ठीक है ना आपको चारों टाइप के डेफिसिट समझ में आ गए शांति से घर पे पढ़ना आराम से अब देखो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए हैं फॉर्मूला बेस्ड ट्रू और फॉल्स और ज्यादा करके क्वेश्चन और प्राइमरी पे देखो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर यस माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ कोर्स डेप क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट एंड नॉन डेप क्रिएटिंग गाइस ये फॉल्स स्टेटमेंट है आपको पता है ये फॉर्मुला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग लोन आता है लोन मतलब डेप क्रिएटिंग ये स्टेटमेंट रॉन्ग है लोन कभी भी फिजिकल डेफिसिट में इंक्लूड नहीं होता लेकिन देखो ये लोग वर्ड लोन यूज नहीं करते ये लो ये लोग वर्ड क्या यूज करते हैं क्रिएटिंग नॉन आएगा आइटम है और रिकवरी ऑफ लोन है ये चल जाएगा लेकिन लोन नहीं चलेगा तो दिस इज अ फॉल्स फॉर्मूला ये फॉर्मूला गलत है प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लाइबिलिटी यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू आंसर डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी हाँ तो आंसर जिसको फॉर्मूला आता है उसको कैलकुलेशन भी आ जाएगा फिजिकल दे डेफिसिट दिया, दिया है मत इसके अंदर लोन नहीं है रेवेन्यू रिसिप्ट सेवन थाउजेंड करोड नॉन डेप क्रिएटिंग हाउ मच टोटल एक्सपेंडिचर तो बताओ टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा तो so, अब देरी बात सुनो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट इज माई फिजिकल डेफिसिट अब इन्होंने फिजिकल डेफिसिट ग्यारह हजार ऑलरेडी दिया हुआ है इसका मतलब एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट सेवन थाउजेंड करोर है

क्योंकि ट्वेंटी थाउजेंड माइनस नाइन थाउजेंड ही इलेवन थाउजेंड हो सकता है तो आपको आंसर लेकिन देखो घुमाते कितना है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट रिसिप्ट इंटरेस्ट लाइबिलिटी प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट रिसिप्ट फिस्कल डेफिसिट कुछ भी बराबर नाउ प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट होता है ना नहीं इंटरेस्ट रिसिप्ट है सॉरी ये रॉन्ग ही है प्राइवेट रिसिप्ट प्लस इंटरेस्ट होता ना तो फिजिकल डेफिसिट बन जाता ओ बराबर ऑल ऑफ यू नाउ फॉर्मूले फॉर्मूले पूछे कि नहीं तो मतलब आपको के आने चाहिए चलो इसके बाद अब दो छोटे छोटी बातें हैं मेन चैप्टर खत्म हो गया टाइप्स ऑफ डेफिसिट एंड एग्जाम्पल्स किसी आप कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं किसे आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं किसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं एफ आर बी एम एक्ट मालूम है एग्जाम में हमारे इंडिया में एवरी ईयर बजट जब निकाला जाता है ना तो फिजिकल डेफिसिट बहुत हाई होता है मतलब हर बार लोन लेके मैनेज करना पड़ता है बराबर है इसका मतलब कही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आउट ऑफ कंट्रोल खर्चे करती है तो पहले 2003 से पहले ना बराबर फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा था बहुत ज्यादा तो गवर्नमेंट ने एक कंट्रोलिंग कमेटी बिठाई और एक बनाया एफ एक्ट जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव तो तीन चार है लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव है को कम करना, Eliminates revenue deficit and bring down fiscal deficit. लेकिन आपको चारों ऑब्जेक्टिव पढ़ने पड़ेंगे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चन आता है ट्रांसपेरेंट फिस्कल मैनेजमेंट बराबर मोर इक्विटेबल एंड मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज डेप लोन को चुकाया जाए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिल ऑफ इंडिया इन लॉन्ग रन एंड रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट्स ओके okay, आप ये एक बार पढ़ेंगे करंट एफ एक्ट के चेयरमैन है एन के सिंह अगर 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 करंट अफेयर में आया तो ओके okay, अब देखो खाली एफ एक्ट पे दो से तीन साल में क्वेश्चन आए खाली एफ एक्ट पे और एक ही चीज बार बार पूछी है आप खाली इतना पढ़ लो तो भी एफ आरबीएम एक्ट हो जाएगा द ऑब्जेक्टिव और एफ आरबीएम एक्ट जिसको ये चार पॉइंट आते हैं वो फाइन कर लेगा बराबर टू मॉडिफाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्स अकाउंट्स में होते हैं है टू इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड गाइडलाइंस टू नेशनल इनकम नेशनल इनकम के लिए बजट नहीं बनाया फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए एफ आरबीएम बनाया है इनकुल्केट दी हैबिट ऑफ डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी इन फिस्कल मैनेजमेंट यस बराबर ये ट्रांसपेरेंसी फिस्कल मैनेजमेंट बराबर है ना no. तो ये आंसर है ये तो इ है समझा तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पढ़ना जरूरी है FRBM Act 2003 mandates government of India to take measure fiscal deficit. उनको fiscal deficit पटा फट control करना है. बाकी कोई deficit नहीं fiscal deficit. ताकि loan लेने की नौबत ना आए. As a part of India's fiscal reform, following legislation mandated presenting key fiscal when union budget, the act is likely to effective. अभी लोग ने ना objective उब, पूछ लिया. ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें हम बजट को मेंटेन रखना चाहते हैं डेफिसिट को कंट्रोल में रखना चाहते हैं एफ हर साल कोई ना कोई एंगल से क्वेश्चंस आए हैं लेकिन क्या एंगल से क्वेश्चंस आए ये समझा फाइनेंस बिल फाइनेंस बिल फाइनेंस बिल फाइनेंस बिल अब एग्जाम में फाइनेंस बिल पे एक ही क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है टैक्सेस को इंक्रीज भी करती हैं पुराने टैक्सेस को हटाती हैं नए टैक्सेस को लेकर आती हैं वो गवर्नमेंट को पावर किसने दिया फाइनेंस बिल ने देखो फाइनेंस बिल में दिस बिल इंक्लूड्स प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस न्यू टैक्स स्ट्रक्चर नए टैक्स कौन से लगाने हैं कंट्री पे मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर पुराने कौन से हटाने हैं ये कौन सा बिल है फाइनेंस बिल देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा है द प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लेवी न्यू टैक्सेस नए टैक्सेस अगर गवर्नमेंट लाना चाहती है तो कौन से बिल के थ्रू ला सकती है फाइनेंस बिल बहुत बच्चों को पता नहीं होता है बराबर फाइनेंस बिल आपने पढ़ा होगा तो देख लेना बजट स्पीच बजट स्पीच जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करती हैं पार्लियामेंट में हाउस में बराबर है पब्लिक के सामने ठीक है तो उनके बजट स्पीच में कौन सा कौन सा कंटेंट होता है तो आपको ये एक बार सारे पढ़ने जाने पढ़ के जाना होगा रेवेन्यू बजट एक्सपेंडिचर बजट मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिमांड फॉर ग्रांट्स अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल फाइनेंस बिल ये एक बार पढ़ना होगा क्योंकि एग्जाम में कैसे आता है ना बजट में क्या क्या इंक्लूड नहीं है देखो एज मैंडेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द द फर्स्ट बजट टू पार्लियामेंट मस्ट बी कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग बजट मस्ट कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट बजट में क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए तो फाइनेंस बिल तो है डिमांड फॉर है, बराबर फिजिकल स्टेटमेंट इधर क्या लिखा है फिजिकल स्टेटमेंट नहीं बराबर तो फिजिकल स्टेटमेंट इज अ वर्ड जो आपका आंसर होगा ये बजट स्पीच के कंटेंट में नहीं है तो जिसको ये याद है वो ये बता सकेगा बराबर गाइस इसी के साथ बराबर

हेलो फ्रेंड्स होप यू पीपल एंजॉयिंग माय वीडियोस माय वीडियोस आर वेरी यूजफुल ऑल थ्री चैप्टर्स आर डन नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग करेंगे रिवीजन रैपिड रिवीजन ऑफ फोर्थ चैप्टर फ्रेंड्स आपके इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा वेटेज आउट ऑफ फाइव चैप्टर्स मालूम है कांसेप्ट चैप्टर्स का है चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 5 टू 6 एमसीक्यूज इन चैप्टर से आते हैं बराबर नाउ फोर्थ और दूसरी सबसे बड़ी चीज स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर फोर और चैप्टर नंबर फाइव बराबर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज ये जनरल चैप्टर्स है कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है बराबर इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर्स है बराबर नाउ खैर चैप्टर नंबर फाइव की बात हम चैप्टर नंबर फाइव में करेंगे चैप्टर नंबर फोर में एज पर पास्ट एनालिसिस बराबर आपको इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ये टॉपिक्स एक तो थोड़े ज़्यादा स्कैटर्ड है बराबर मैंने लॉजिकली आपके लिए इस चैप्टर को पांच पार्ट्स में फाइव टू सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया है बराबर फाइनेंशियल मार्केट पूरे ओवरऑल फाइनेंस की बात करते हैं बहुत सारा कंटेंट है इसमें पढ़ने के लिए एज पर मॉड्यूल एंड ऑल बट मैं आपको ये सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ाऊंगा क्योंकि इनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और कितनी सारी चीज़ें इतनी प्रैक्टिकली पूछते हैं कि स्टूडेंट्स को पढ़ के यही समझ नहीं आता कि भाई ये कौन से टॉपिक का है बराबर यस तो दिस वीडियो विल गोइंग टू हेल्प यू टू हैव अ ब्रॉडर नॉलेज ऑन अ सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बराबर नाउ ओके अब ये देखिए नाउ हम लोग इसको फाइव पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं बराबर फाइव टू सिक्स पार्ट्स बैंकिंग सेक्टर म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस सेक्टर एनबीएफसी कैपिटल मार्केट मनी मार्केट और ये भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ओके okay? तो शुरू करते हैं नाउ सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर क्वाइर्ड इंफॉर्मेशन देखो जरा सारी चीजें इसमें हम आरबीआई के बारे में बात करेंगे सिडबी ट्रेड्स मुद्रा नाबार्ड आईपीपीबी बैंक बैंक रीजनल रूरल रेपो रेट एंड नेशनल हाउसिंग है इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सिडबी ठीक है मुद्रा पे एक दो बार एमसीक्यूज आए हुए हैं टी नाबार्ड आईपीपीबी ये चार पांच टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली आते रहते हैं Okay, इन पे ज्यादा फोकस करेंगे तो जरा देखो फटाफट पढ़ा तो आपने है ही मैं खाली एक छोटी छोटी चीजों को बराबर रिलेट करता नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बराबर नाउ बैंकिंग सेक्टर में बैंकों का राजा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एपेक्स इंस्टीट्यूशन बराबर नाउ आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली आरबीआई किनको किनको कंट्रोल करता है तो मैं आपको पहले ही बता दूं ये आरबीआई कंट्रोल करता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं बराबर ना आरबीआई और कंट्रोल करता है बराबर आरबीआई कंट्रोल करता है कुछ एनबीएफसी को बराबर है आरबीआई ऑल्सो कंट्रोल सम एनबीएफसी नॉट ऑल दी एफ ठीक है आरबीआई कंट्रोल करता है अपने मॉनिटरी सप्लाई को जनरल है आपने पढ़े भी हैं बराबर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो और एग्जाम में कम से कम एक दो बार तो ऐसे ही पूछा है अरे बराबर। कुछ एनबीएफसी को आरबीआई कंट्रोल करती है अच्छा नाबार्ड बैंक जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए है, अगेन डेवलपमेंट बैंक है नो डाउट आरबीआई के अंडर है या आरबीआई के साथ में है लेकिन रीजनल रूरल बैंक आर कंट्रोल्ड बाय नाबार्ड तो आगे देखेंगे इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो विल गुडो चलो एक एक करके शुरू करते हैं फटाफट फटाफट रिविजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपेक्स है नाव इसका हेड ऑफिस किधर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जल्दी बोलो हेड ऑफिस इज एट मुंबई कभी कभी हेड ऑफिस पूछ लेते हैं एंड हु करंट गवर्नर श्रीकांता दास ये आपके लिए करंट अफेयर हो गए इकोनॉमिक्स में ठीक है नाउ और आरबीआई कंट्रोल एनी काइंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड

बराबर कभी कभी कमर्शियल बैंक को पैसों की शॉर्टेज पड़ती है तो कमर्शियल बैंक टेक लोन फ्रॉम आरबीआई तो आरबीआई बोलता है भाई मुझे इंटरेस्ट दो दैट्स कॉल्ड रेपो रेट तो व्हेन कमर्शियल बैंक पे इंटरेस्ट बराबर टू आरबीआई बराबर है नाउ दैट इज कॉल्ड रेपो रेट नाउ रिवर्स रेपो रेट उल्टा कभी कभी आरबीआई को लोन की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई टेक अ लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक तो आरबीआई ऑल्सो द इंटरेस्ट टू द कमर्शियल बैंक उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक रिवर्स उल्टा बराबर सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो बराबर कैश रिजर्व रेशो ना गवर्नमेंट ये एक बात जानती है बैंक्स की कि बैंक्स पब्लिक का पैसा डिपॉजिट लेता है अरे हाँ की ना अरे बराबर नाउ तो जैसे आप एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो किसी बैंक में और आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है वैसे ही ये सिमिलर है सेम तो नहीं नाउ कमर्शियल बैंक्स को एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है बराबर तो देखो इट इज अ टोटल डिपॉजिट डिपॉजिट परसेंटेज ऑफ टोटल विद बैंक दैट नीड्स टू बी मेंटेन एज अ लिक्विड कैश विद विदर है नाउ कमर्शियल बैंक को एक मिनिमम डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ता है विद आरबीआई उसे बोलते हैं सीआरआर बराबर और ये एक परसेंटेज होता है जो पब्लिक डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज रहता है

तो फॉलो करने पड़ते हैं बराबर आरबीआई में पढ़ने के लिए सिर्फ इतना ही है प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक इज कंट्रोल्ड बाई आरबीआई ये कम से कम दो बार पूछा गया है okay? Now, आरबीआई के बाद नेक्स्ट है सिडबी भाई वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सिडबी ये डेवलपमेंट बैंक है बराबर फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बराबर है ये बैंक बनी है एमएसएमई को डेवलप करने के लिए बराबर है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस राइट गाइस अगर आपको एमएसएमई की कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आपको ना समझे और उधर फाइनेंशियल सपोर्ट या सपोर्ट्स की बात करें ऑप्शन में सिडबी दिखे आप सिडबी को टिक मार्क कर देना ऑलमोस्ट अरे बराबर अगर आपको क्वेश्चन ना समझ आए ना और एमएसएमई का क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन में सिडबी हो प्लीज सिडबी को ठीक है नाउ आप टिक कर दो गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर रहा है बहुत हेल्पिंग हैंड्स दे रहा है टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अब मैं एम को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलता हूँ बराबर गवर्नमेंट को एक चीज़ पता है बराबर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है लार्ज कंपनीज को सपोर्ट की जरूरत नहीं है वो सेल्फ डिपेंडेंट है उनको बहुत सारी प्राइवेट है, कंपनीज़ हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है बाई गिविंग अ लोन लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कौन करें और यू नो वॉट इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही स्लो डेवलप कर रहा है बराबर है और इकोनॉमिक्स का मानना है कि अगर किसी भी कंट्री को डेवलप्ड होना है ना वेल well डेवलप्ड इंडिया अभी तक डेवलप्ड नहीं है डेवलपिंग है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलप होना बहुत जरूरी है बिना इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकता और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है मालूम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनेंगी हाँ की ना बराबर है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए क्योंकि हर डेवलपमेंट का बेसिक रूट फाइनेंस है पैसों के बिना क्या ही डेवलपमेंट हो बराबर तो सिडबी को ये ड्यूटी दी गई है कि आप एमएसएमई की हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें बराबर है ना ठीक है सिडबी के करंट एग्जीक्यूटिव जो है वो है श्री सिवास सुब्रमण्यम रमन सिवासु सुब्रमण्यम रमन बराबर है मुझे पता है नाम याद नहीं रहेंगे लेकिन एक दो बार ऐसे ऊपर ऊपर से रीड करो ऑप्शन आएंगे तो पता चल जाएगा फॉर्मेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है हेडक्वार्टर लखनऊ में है बराबर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आता है ऑफ कोर्स ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है सिर्फ डेवलपमेंट के लिए कंपनी बैंक बनाई गई है बराबर तो

टीआर बराबर गजब क्वेश्चन पूछते हैं यार घुमा घुमा के बराबर ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम बराबर गवर्नमेंट ने यह सिस्टम चालू किया है जिसके लिए आर एक्स आई एल की हेल्प ली गई है क्या है बताऊंगा नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेट्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एक तो पैसा नहीं होता ऊपर से जब वो माल क्रेडिट पे बेचते हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दबा दिया जाता है उनके पैसे जल्दी से नहीं आते पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं बराबर है ना बड़ी बड़ी कंपनियां को जब ये माल बेचते हैं ऑफकोर्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के सप्लायर हमेशा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के होते हैं बराबर है तो ये लोग पहले क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं कि पैसा आएगा और फिर ये लोग पैसा देने में बहुत डिले करते हैं

ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम बराबर ना अब ये एक मोटा मोटा बराबर है आपको एक एक समझाता हूं ये ऑनलाइन पोर्टल है अगर मान लो कि मैं एक स्मॉल स्केल सेलर हूं और कोई एक बड़ी कंपनी है जो मेरा कस्टमर है जिसको मैंने ऑलरेडी दस लाख का माल बेचा हुआ है और वो कंपनी बोलती है टू पे यू आफ्टर मंथ्स महीने की उधारी पे मैंने माल बेचा है अब मुझे आज पैसों की जरूरत है तो क्या कर सकता हूं तो आप टीआर डी पे ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर इनको जब आपने माल बेचा तो आपको बिल मिला होगा वो बिल इनको सबमिट करें वो आपको इस बिल के अगेंस्ट आपका पैसा दे देंगे और रिकवरी की गारंटी देंगे लार्ज स्किल इंडस्ट्री से पैसा ले लेंगे या फिर लार्ज इंडस्ट्री जब चार महीने के बाद आपको पेमेंट करे तो आप उनका पैसा लौटा दें टीआरएस पर तो देखो टीआरडीएस इज एन इन इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई टू तो फैसिलिटेट एमएसएमई पेमेंट्स फ्रॉम कॉर्पोरेट्स एमएसएमई को पेमेंट्स करने के कॉर्पोरेट्स को बराबर है ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट है

ताकि ये कंपनियां लॉस मेकिंग होकर बंद ना हो जाए फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत जबरदस्त है अच्छा लेकिन सर ये ऑनलाइन पोर्टल है हाँ जैसे आपका शेयर मार्केट चलता है ऑनलाइन आप कुछ भी खरीद सकते हैं बेच सकते हैं आप एमेजॉन पे जाते हैं कुछ भी खरीद सकते हैं बेच सकते हैं वैसे ये अपने बिल्स को ऑनलाइन डिस्काउंट करवा सकते हैं टीआरडीएस पे ओके कहीं डिपार्टमेंट में कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है बराबर आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है डिजिटल इंडिया हो रहा है तो ये भी गजब ऑनलाइन है बराबर नाउ टीआरडीएस ये सब काम कैसे कर रहा है तो जैसे शेयर मार्केट में डील करने के लिए बीएससी बना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट में ऑनलाइन खरीदने बेचने के लिए एनएससी बना है वैसे बिल्स को डिस्काउंट कराने के लिए एक एक्सचेंज बनाया आरएक्स बराबर जो फर्स्ट पॉइंट है देखो रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया मतलब डेटर्स डेटर्स का बिल दो डॉक्यूमेंट्स दो कि आपने उसको माल बेचा और पैसे ले जाओ बराबर तो आरएक्सआईएल आपके डेटर्स को डिस्काउंट करवाता है मतलब आपके तुरंत पैसे देता है और बाद में उसे वसूल लेता है आपने वो पढ़ा है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज 12th स्टैंडर्ड में उसमें आपने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पढ़ा है कि नहीं आप बिल को डिस्काउंट टीआरडीएस पे करवा सकते हो अब तो डेटर्स भी डिस्काउंट होने लगे ओके बिल्स

बराबर है सिडबी और एनएससी का ज्वाइंट वेंचर है वेंचर बिटवीन एंड कोर सारा ये काम CIDB ही देखेगा लेकिन सिडबी ने एन एस वेंचर किया और उनका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लिया कि भाई तुम लोग शेयर मार्केट में डील करते हो खरीदते बेचते हो हमको डेटाज खरीदने बेचने हैं आपका सॉफ्टवेयर यूज करेंगे खैर आज तक ये इन्फॉर्मेशन पूछी नहीं गई है बट टीआरडीएस और आरएसआईएल बराबर डेटर्स को डिस्काउंट करवाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज यूज हो रहा है ऑल ऑफ यू पक्का ये दो पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं और दूसरा मुद्रा मुद्रा बैंक मुद्रा बैंक सिडबी की सब्सिडरी है उन्होंने मुद्रा बैंक खोला है ये कोई पब्लिक बैंक नहीं है ठीक है ये कोई जनरल कमर्शियल बैंक नहीं है कोई भी कमर्शियल बैंक जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन देता है सिडबी मुद्रा बैंक से उनको लोन दिलवाता है और ये डायरेक्टली

तो प्लीज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल एजेंसी प्लीज ये याद रखना इट्स अ मुद्रा बराबर है एक्चुअली ये फाइनेंस नहीं है ये रीफाइनेंस है आर ए है ना माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी ओके प्लीज इसे याद रखो सिडबी के तीन सबसे बड़े इनिशिएटिव बराबर टीआरईडीएस जहां पे डेटा डिस्काउंट होते हैं उसको ऑनलाइन करने के लिए आर एक्स आज बनाया गया जिसे एन एस सी का सॉफ्टवेयर यूज किया और मुद्रा ये तीन सबसे पॉपुलर इनिशियटिव हैं और भी बहुत हैं लेकिन ये आपके एग्जाम्स में आज तक पूछी गई आपको सिडबी समझ में आ गया ऑल ऑफ यू पर्टिकुलरली नाउ अब देखो सिडबी सेटेड ये दो टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं क्वेश्चन इसलिए मैंने वापस इस नोट्स में नहीं लिए बराबर लेकिन क्वेश्चन देखो डीलिंग पेमेंट इश्यू सुनना इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें हम घूमते रह जाते हैं लेकिन बहुत घुमा घुमा के पूछते हैं डीलिंग पेमेंट इश्यू ऑफ एमएसएमई एड्रेस बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन नवंबर फिफ्टीन एज ए रिजल्ट ऑफ थ्री सेपरेट नेशनल लेवल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बिकम ऑपरेशनल अगर आपने पढ़ा ना तो डीलिंग पेमेंट इशू इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ये वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं MSME can digitally post their receivables for, for, from large corporate buyers of these exchange and get them financed by practicing bank quickly at a cooperative competitive rate RBI named the system as TREDS. Hmm. बराबर अब जब ये क्वेश्चन आया था ना स्टूडेंट्स को मैंने टीआरईडीएस पढ़ाया था लेकिन वर्डिंग्स कुछ भी घुमा के आता है उस टाइम पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे आई थिंक सो ये क्वेश्चन है ना अगस्त या नवंबर ट्वेंटी में आया हुआ है बराबर मेरा प्रॉब्लम मेरे, मेरे वीडियो लेक्चर का पर्पज ये नहीं है कि आपको टॉपिक्स आते नहीं है मेरा पर्पज है कि आप अप्रोच देखो सीधा सीधा ये लोग पूछ ही नहीं रहे और हम सीधा सीधा पढ़ के चले जाते हैं बराबर तो वेन यू गो थ्योरी वाइज यू नो एवरीथिंग बट वेन दे आस्क यू इन डिफरेंट मैनर अब इसमें ना इसमें मालूम है आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है दी ऑपरेशन स्टेटमेंट गिवेन सिडबी टीआर काम कैसे कर रहा है बराबर है यस yes. तो अभी देखो अमंग द फॉलोइंग वॉज अ टेकन इनिशियटिव सिडबी बराबर ना सिडबी ने और क्या इनिशियेटिव लिए रेगुलेशन ऑफ एमएसएमई नहीं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का, का काम सिडबी का नहीं है गाइडेंस नहीं मुद्रा अब मालूम है मुद्रा सब पढ़ के जा रहे हैं मुद्रा 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 लेकिन मुद्रा का फॉर्म नहीं पता तो वो लोग ये भी कर नहीं कर पाते बराबर रेगु एमएसएमई को रेगुलेट करना सिडबी का काम नहीं है उसके लिए अलग से लॉ बने हैं। सिडबी का मेनली काम है फाइनेंस करना और उनकी कुछ छोटी मोटी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बराबर तो मुद्रा यहाँ पे भी रीफाइनेंसिंग आना चाहिए बट ठीक है बराबर तो मुद्रा टआरडीएस आरएक्सआईएल इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं ओके आपको समझा सिडवी समझा चलो थर्ड इंपॉर्टेंट इंडेक्स पे आ जाओ आरबीआई के दो क्वेश्चंस आए हुए हैं सिडबी के चार क्वेश्चंस हैं देखो एक्चुअली हर अटेम्प्ट में आए हैं मुद्रा और टआरडीएस सिडबी से ही कनेक्टेड है ना ये देखो हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन है राइट right? अब हम नाबार्ड पे चलते हैं नाबार्ड वीडियोस का बेनिफिट्स लो गाइस, टेंशन नहीं बराबर लेकिन अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव में मुझे याद करना आई एम टीचिंग डायरेक्ट टैक्स ठीक है नाउ no. नाबार्ड बराबर नाबार्ड का फुल फॉर्म यू पीपल नो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बराबर कुछ करंट अफेयर्स करंट चेयरमैन कौन है श्री शाहजी केवी फॉर्मेशन आप याद नहीं रखेंगे तो चल जाएगा कोई पूछता नहीं है और अगर पूछा भी है एक दो बार लेकिन ठीक है उसके लिए हम इतने सारे फॉर्मेशन नहीं पढ़ सकते हमको अपने घर वालों के बर्थडे याद नहीं रहते यार बराबर है इनके बर्थडे कहाँ से याद रखें इग्नोर इट हेडक्वार्टर कहाँ है मुंबई बराबर ओनर कौन है ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके पर्पस क्या है ऑब्जेक्टिव्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं गाइस तो सुनो ऑब्वियसली पर्पस है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट जो नाम में ही है बराबर है ए सेंस फॉर एग्रीकल्चर आर फॉर रूरल इसमें में क्या याद रखना लोन्स वगैरह देना और ऐसी काफी सारी बैंक है जो एग्रीकल्चर को लोन देती है तो ये बैंकों को भी लोन देते हैं याद रखना नाबार्ड आरबीआई जैसा है यहां पे पब्लिक जाके लोन नहीं ले सकता स्टूडेंट्स को लगता है नाबार्ड इज लाइक अ जनरल बैंक नो नाबार्ड इज एन लाइक एन आरबीआई

रीजनल रूरल बैंक और को ऑपरेटिव बैंक ठीक है जिनके मेन रोल के बारे में रूरल एरियाज़ में फार्मर्स एंड स्मोल्स बिजनेस को हैंडीक्राफ्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज को लोन्स प्रोवाइड करना अच्छा यस yes, एग्जाम में कितनी बार आया हुआ है आर आर बीज आर कंट्रोल्ड बाय स्टूडेंट्स के आरबीआई दिमाग में आता है क्योंकि आरबीआई सारी बैंकों को कंट्रोल करता है नहीं नाबार्ड देखो आगे लिखा है पर्पज क्या रीफाइनेंसिंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रूरल एरिया नाबार्ड फाइनेंस करता है रेगुलेट एंड सुपरवाइज लुकिंग आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विलेज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा ये तो जनरल सबका पर्पज है अरे राव है तो नाबार्ड समझा यस yes. आर आरबी को कंट्रोल कौन करता है कॉपरेटिव बैंक कौन करता है नाबार्ड ठीक है अब देखो नाबार्ड पे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने एक सिमिलर क्वेश्चन रखा है क्योंकि एक क्रैश कोर्स है तो ज्यादा लेक्चर्स को हमको खींचना नहीं है ठीक है द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज विलेज इंडस्ट्रीज एंड रूरल आर्टिशन यूजिंग क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट इंटरवेंशन इट ऑफर्स काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देखो क्या लिखा है सपोर्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज विलेज इंडस्ट्रीज रूरल आर्टिशंस बराबर है आपको इसे समझ में आना चाहिए कि हम कौन सी किस चीजों की, की बातें कर रहे हैं रूरल एंटरप्राइजेस मतलब रूरल डेवलपमेंट ऑब्वियसली नाबार्ड जनरल क्वेश्चन है देखो है ना यस yes, कहीं पे कुछ भी स्पेसिफिक नाबार्ड के बारे में नहीं है और उसके एक्शंस को एक्सप्लेन किया है वहां से आपको समझ में आना चाहिए नाबार्ड तो जिसको ये पॉइंट पता है वो नाबार्ड के क्वेश्चन सोल्व कर लेता है ओके okay, ये समझा नेक्स्ट टॉपिक आता है आईपीपीबी बराबर है पेमेंट बैंक्स आजकल एक नया मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम बना है पेमेंट बैंक्स है ना आपको पता है इंडिया का सबसे पेमेंट बैंक पहला पेमेंट बैंक कौन सा था एयरटेल अब तो सारे आ गए सबका पेमेंट वॉलेट्स है बराबर है एयरटेल के बाद अब तो जियो भी है आदित्य बिरला का भी एक ऐप है वी का भी है आजकल बहुत सारे पेमेंट बैंक बन गए हैं ठीक है लेकिन इंडिया का सबसे पहला पेमेंट बैंक का डेजिग्नेशन दिया गया था एयरटेल को ठीक है ये दिमाग में रखिए जनरल अवेयरनेस है लेकिन गवर्नमेंट ओन्ड पेमेंट बैंक है आईपीपीबी दो से तीन बार एमसीक्यूज आ चुके हैं आईपीपीबी आईपीपीबी बी का फॉर्म है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बराबर है अब गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट ने आईपीपीबी क्या है सुनो इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रांचेस अगर किसी की है तो पोस्ट ऑफिस है राइट right? ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पे पोस्ट ऑफिस ना हो बराबर एवरीवेयर पोस्ट आर देयर इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री तो पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क बहुत जबरदस्त है हाँ लेकिन आज भी इंडिया में आपको ऐसे रूरल एरियाज या ऐसे एरियाज मिल जाएंगे जहां पे बैंक नहीं है गवर्नमेंट बैंक भी नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं है लेकिन ऐसा कोई एरिया हार्डली नहीं मिलेगा जहां पे पोस्ट ऑफिस ना हो पोस्ट ऑफिस हर जगह पे है लेकिन अब पोस्ट ऑफिस है ना पहले भी सालों से ऑफ कोर्स लेटर्स वगैरह भेजने का काम करती थी जो आज भी करती है और बैंकिंग सर्विस भी दे रही थी नॉट फुल फुलज बट रूरल एरिया से पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट करता था एफडी बनवाता था छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट पोस्ट ऑफिस में करते थे तो, तो प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते थे हाँ तो बैंकिंग सर्विसेज देती थी अब है ना ये जो लेटर है ना कुरियर सर्विस ये बहुत कम हो चुका है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन आजकल कोई लेटर लिखता नहीं कुछ नहीं तो पोस्ट ऑफिस का इंपॉर्टेंस काफ़ी कम हो गया है अब थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सर्विस चलता है लेकिन पब्लिक इतनी एजुकेटेड हो गई है इतनी बेस्ट सर्विसेज आजकल बैंक्स दे रही हैं गांव गांव में काफ़ी फैल गए हैं आज ही बहुत सारे गांव हैं जहां बैंक्स नहीं है लेकिन पहले जैसी हालत नहीं है बहुत इंप्रोवाइज है पेटीएम्स आ गए हैं ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स आ गए हैं तो आजकल रूरल एरियाज को कंफर्ट है तो पोस्ट ऑफिस कोई जाता नहीं अब गवर्नमेंट ने अपना दिमाग लगाया पोस्ट ऑफिस को ही पेमेंट बैंक बना दिया या पोस्ट ऑफिस के अंदर ही एक और नया सर्विस लॉन्च कर दिया है, पेमेंट बैंक्स, आईपीपीबी जिसका ओनर पोस्ट ऑफिस ही है उसको नाम दिया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और ये कब हुआ 2018 में बराबर आईपीपी तो भी अब आपको पेमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है जिसका ओनर पोस्ट ऑफिस ही है उन्हीं ब्रांचेस में पेमेंट्स बैंकिंग की सर्विसेज दी जाती है अभी इनका हेड कौन है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का विनीत पांडे एंड जे वेंट रमन की पर्सन फॉर्मेशन दो में हुआ है पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली में है पोस्ट का है पोस्ट ऑफिस का दिल्ली ओनर कौन है इंडियन पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं क्योंकि इसका मेन बेसिक जो बिजनेस है वो पार्सल कुरियर लेटर भेजना यह है ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है हर रूरल एरिया में आपको पोस्ट ऑफिस मिलेगा मतलब और आईपीबी रूरल एरिया में है बराबर एक बार एग्जाम एक में पूछा गया था कि पेमेंट बैंक क्या क्या सर्विस देती है तो सेविंग बैंक अकाउंट फिक्स ओपन करवाती है टरी ट्रांसफर्स आपके बिल पेमेंट्स यूटिलिटी पेमेंट्स हो सकते हैं हाँ पेमेंट बैंक्स चेक्स वगैरह इश्यू नहीं करती बराबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं करती ऑल ऑफ यू ये है एमसीक्यूज के ठीक है अब देखो इसमें क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्कोप ऑफ एक्टिविटी आईपीपीबी कौन सा सर्विस नहीं देती तो ए बोलता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एज अ स्कॉलरशिप मनी ट्रांसफर पैसा ट्रांसफर का सर्विस देती है फिक्स डिपॉजिट सर्विस देती है यूटिलिटी बिल पेमेंट देती है स्कॉलरशिप्स वगैरह का सर्विस नहीं देती अरे बराबर। है बाय इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी का क्वेश्चन था ओके क्वेश्चन नंबर टू इन टू थाउजेंड सेवेंटीन न्यू बैंक वॉर स्टार्टअप इन इंडिया देखो स्टोरी देखो स्टोरी डायरेक्ट कुछ भी नहीं पूछ रहे अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हंड्रेड परसेंट ओन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना हैज द एडवांटेज ऑफ इंडिया पोस्टल नेटवर्क कुछ समझा में आया ज्यादा बोलूंगा नहीं इट्स एन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड आपको नाम सिलेक्ट करना था लेकिन कितना घुमा के पूछते हैं जिसका ओनर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है आईपीपी भी मैं आपको इतना सिलेक्टेड हमने नोट्स बनाए हैं आपके लिए पूरी टीम ने आगे भी पूरी सीरीज आने वाली है कि आपको उतनी थ्योरी पढ़ा रहे हैं जितना एग्जाम ओरिएंटेड है पढ़ तो आप पूरा इकोनॉमिक्स चुके हैं बराबर है ना अब टू द पॉइंट बात करो कंपेरिजन बिटवीन कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक बराबर नाओ कंपेरिजन नहीं करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कोऑपरेटिव बैंक्स क्या काम करती हैं तो आप लोग ने जनरल भी देखे होंगे हम उन कॉपरेटिव बैंक की नहीं बात कर रहे क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग नॉर्मल कमर्शियल है हम उन कॉपरेटिव बैंक की बात कर करें जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है अपने मेंबर्स को सर्विस देती है तो कॉपरेटिव बैंक रेगुलेटेड बाय नाबार्ड जो हमने नाबार्ड में देखा इनका मोटिव ऑपरेशन सर्विसेज है जो नॉर्मली रूरल एरियाज में काम करती है बराबर नाउ ठीक है इनका मेन काम है रूरल को डेवलप करना एरिया ऑफ ऑपरेशन स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक इसके ऊपर आज तक बहुत कम क्वेश्चन आए हैं लेकिन हाँ ट्रू ऑफ फॉल्स के फॉर्म में पूछे गए हैं देखो कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्या पूछा है कोऑपरेटिव बैंक आर नॉट पर इन अर्बन सेंटर्ल्स पॉपुलेशन रेंजिंग

तो फर्स्ट इज फोल्स एंड सेकंड इज ट्रू इज माई आंसर देखा कॉपरेटिव बैंक में क्वेश्चन कैसे आए हैं यस अब हम लोग जनरली पढ़ते हैं लेकिन लोग ऑपरेशन पे क्वेश्चन पूछते हैं बराबर ये आपको समझा नेक्स्ट अगेन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रीजनल रूरल बैंक बराबर ये एक अलग ही फंडा है ठीक है रीजनल रूरल बैंक जो रूरल एरिया के लिए काम करती हैं राइट नाउ रीजनल रूरल बैंक्स जरा देखो रीजनल रूरल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड क्रेडिट टू सेक्शन ऑफ़ सोसाइटी लाइक एग्रीकल्चर लेबर मार्जिनल फार्मर्स मार्जिन तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो की फंडिंग फिफ्टी परसेंट है ओनरशिप स्पॉन्सरशिप बैंक से थर्टी फाइव आईसीआईसीडवी बराबर ठीक है एच डी एफ सी ये लोग ने भी इनके स्टेक होल्ड करके रखे थर्टी फाइव परसेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक स्पॉन्सरशिप बैंक जो इनको फंडिंग करती है और स्टेट गवर्नमेंट पंद्रह परसेंट हो गया ना हंड्रेड परसेंट होल्डिंग मतलब रीजनल रूरल बैंक का फिफ्टी परसेंट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट ओनरशिप तीन लोगों के पास है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बराबर है और स्पॉन्सरशिप बैंक इसलिए इनका नेचर सर्विस इंटेंशन है क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड हो गई ना यस बराबर नाउ <coughs>

ना अब आरआरबी पे देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एसोसिएशन विद गवर्नमेंट आरबीआई दी फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आर आरबी को कंट्रोल करता है नाबार्ड सिडबी नहीं नाबार्ड बराबर अच्छा वॉट इज रेपोरेट अब एक्चुअली ये इधर का क्वेश्चन नहीं है आरबीआई का क्वेश्चन है लेकिन रेपो रेट कहा था क्वेश्चन पूछा देखो कौन सा आंसर होगा इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक डिपोजिट फंड इंटरेस्टेड एट विच बैंक लेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बैंक लोन लेती है बराबर आरबीआई से उस इंटरेस्ट रेट को हम रेपो रेट कहते हैं हेलो समझा NHB, NHB पे अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है बराबर। एक बार ऊपर नाम से ही पता है आपको नाउ शारदा कुमार कोटा इज द की पर्सन एट प्रेजेंट हेडक्वार्टर दिल्ली में है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस ऑर्गेनाइजेशन का परपज क्या है टू प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बराबर गवर्नमेंट जानती है हाउस प्रॉपर्टी एक बेसिक नेसेसिटी है हर फैमिली को एक घर के पास एक घर होना चाहिए लेकिन आज की तारीख में मिडिल क्लास घर नहीं खरीद पाते हैं तो लोन्स को प्रमोट करने के लिए हाउसिंग बैंक को लोन्स को प्रमोट करने के लिए एनएचबी बना है अरे बराबर अच्छा एनएचबी रेगुलेटरी बॉडी है हाउसिंग फाइनेंस बैंकिंग्स की बराबर है कुछ एनबीएफसी भी इसके कंट्रोल में आती है जो हाउसिंग फाइनेंस में डील करते हैं एनबीएफ आगे अपने आप में एक टॉपिक है तब देखेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक इसके ऊपर अभी तक एक भी एमसीक्यू नहीं आया है एज पर माई नॉलेज लेकिन पढ़ के रखना चाहिए तो देखो हमारा पार्ट ए यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है गाइज बराबर बैंकिंग सेक्टर कोऑपरेटिव बैंक रीजनल रूरल रेपो रेट नेशनल हाउसिंग बैंक अगर आप ये नोट से रिवाइज करेंगे ना गाइज लास्ट डे पे भी आई गारंटी यू बराबर आधे आधे घंटे में रिवीजन हो जाएगा है ना अब हम चलेंगे आगे पार्ट बी की तरफ ठीक है ओके okay, फ्रेंड्स तो अब देखो पार्ट बी पार्ट ए के बाद पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी सब बहुत छोटे छोटे हैं बैंकिंग सेक्टर थोड़ा ज्यादा था ना आ जाओ पार्ट बी पे म्यूचुअल फंड हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए बहुत छोटा सा कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड बराबर सिर्फ दो चीजें इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड इज द इंडस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया विथ फॉर्मेशन ऑफ यूटीआई बराबर अब सुनो दो ही चीजें पढ़नी है बहुत सिंपल सी म्यूचुअल फंड कंपनीज बराबर अब यह कैसे ऑपरेट करती है यू नो इट इज एन इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज शेयर मार्केट और जनरल पब्लिक के बीच का मिडल रोल प्ले करती है जिन भी पब्लिक को शेयर मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना है वो पब्लिक म्यूचुअल फंड को अपना पैसा दे मान लो कि मैंने वन लैक दिए म्यूचुअल फंड कहती है पैसा पब्लिक का आपका नॉलेज मेरी मैं एक्सपर्ट हूं मैं आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा एक ब्रॉडर व्यू है ये इससे हम प्रॉफिट कमाएंगे बराबर है पैसा आपका नॉलेज मेरी आप हमको पैसा दो हम आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे हमारा नॉलेज यूज करके जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसमें से टेन परसेंट मैक्सिमम मैं रख लूंगा बाकी का नाइनटी परसेंट प्रॉफिट आपको दे दूंगा क्योंकि पैसे आपके थे तो अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है आपको फाइनेंशियल मार्केट आपका पैसा कहां लगना चाहिए यू डोंट नो पैसे डूबने के चांसेस हाई हैं तो बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड्स को अपना पैसा दे दें म्यूचुअल फंड आपका पैसा बहुत ही बराबर एक्सपर्ट तरीके से यूज करेंगी और प्रॉफिट कमा के आपको देंगे नो डाउट रिस्क उधर भी है लेकिन रिस्क काफी कम है दिस इज वॉट द म्यूचुअल फंड इज लेकिन हमको ये कोई प्रोसेस नहीं पूछने वाला म्यूचुअल फंड में दो बातें ही आपको याद रखनी है इंडिया की सबसे पहली म्यूचुअल फंड कंपनी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया थी बराबर है यूटीआई वॉज द वेरी फर्स्ट बराबर म्यूचुअल फंड कंपनी ठीक है उसके बाद में बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज और आजकल तो हर बैंक का म्यूचुअल फंड कंपनी ओपन हो चुका है बराबर है पैसा बहुत है इन्वेस्टमेंट्स के लिए ना लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी को कंट्रोल कौन करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी है बस म्यूचुअल फंड कंपनीज में ये दो पॉइंट याद रखो बाकी कुछ आज तक पूछा ही नहीं गया नेक्स्ट है इंश्योरेंस सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल कौन करता है आई काफी क्वेश्चन है इसके ऊपर बराबर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया बराबर आई आर डी एंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है बराबर इंश्योरेंस कंपनीज दो टाइप की होती है एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस राइट लाइफ इंश्योरेंस ह्यूमन बींगस की लाइफ की इंश्योरेंस करता है एल आई सीज वन ऑफ द एग्जाम्पल गवर्नमेंट ओल्ड और जनरल इंश्योरेंस बराबर है एसेट्स की इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस ये सब जनरल इंश्योरेंस है लेकिन इन कंपनियों को रेगुलेट कौन करता है आई बराबर ना आईआरडीआई के बारे में थोड़ी सी जनरल नॉलेज ओनर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ कोर्स हेड ऑफिस है हैदराबाद अभी करंट चेयरपर्सन कौन है देबासिश पांडा फाइव ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं हर फाइव ईयर्स में चेयरपर्सन चेंज कर दिए जाते हैं आई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोटेक्टिंग पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट ऑफकोर्स हम कितने भरोसे के साथ अपना पैसा जमा करते हैं लाइफ इंश्योरेंस में लोग ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर्स की लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं हर साल हम प्रीमियम पे करते हैं कि कल को हमारे को कुछ हो गया तो हमारे घर वालों को हमारे के बाद पैसा मिल जाए तो ये इंश्योरेंस कंपनी अगर फ्रॉड हो गई तो तो फ्रॉड ना होने देने के लिए आईआरडीए कहता है मैं बैठा हूं आप बिंदास इंश्योरेंस लो बराबर है प्रमोटिंग एफिशिएंट इन कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस और तीसरा लिख दो रेगुलेटिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी बराबर इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए आईआरडीआई बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई बराबर है नाउ म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने के लिए सेबी राइट यस नाउ अब देखो क्वेश्चन कैसे आए हैं इंश्योरेंस कंपनीज में आईआरडीए पे ही ज्यादा फोकस है चेयरपर्सन एंड होल टाइम मेंबर

फॉलिंग इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होल्डर्स आई आर डी आई तो आई आर डी आई का है आंसर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया कौन कंट्रोल करता है आई आर डी आई दोनों क्वेश्चन आई आर डी आई पे थे चेयरपर्सन कितने साल के लिए बनते हैं फाइव ईयर्स के लिए ऑल ऑफ यूट इंश्योरेंस सेक्टर समझ आया पक्का ठीक है ना डी पॉइंट एनबीएफसी नाउ नेक्स्ट पार्ट एनबीएफसी एनबीएफसी पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं दो तीन है, संभालो एनबीएफसी कंपनी है, जो देती है. इसका नाम ही देखो, मतलब ये बैंक जैसी दिखती है इनका काम बैंक जैसा है लेकिन ये बैंक नहीं है ये कंपनीज है अरे बराबर तो एनबीएफसी आर सिमिलर टू द बैंक बट नॉट अ बैंक इसे इनको नाम ही दे दिया है नॉन बैंकिंग नॉन बैंकिंग बराबर ये कंपनीज एक्ट में रेगुलेट होती हैं एनबीएफसी खोलने के लिए कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करना पड़ता है बराबर है नाउ लेकिन एनबीएफसी अलग अलग उनका नेचर है क्योंकि एनबीएफसी का काम भी फाइनेंसिंग करना ही है तो लॉजिकली बैंक जैसा हुआ हा कि ना पर ये चेक वगैरह इशू नहीं करते डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते सेविंग बैंक अकाउंट बराबर प्रोवाइड नहीं करते इनका मेन काम है लोन्स प्रोवाइड करना फाइनेंस करना तो अब इन एनबीएफ को कंट्रोल रेगुलेट कौन करती है बराबर तो अलग अलग को अलग अलग चीजों को रेगुलेट होती है। कुछ एनबीएफसी इंश्योरेंस कंपनी जैसा काम करती है इंश्योरेंस सेल करती है तो अगर उनका नेचर इंश्योरेंस बिजनेस का है तो आई उन एनबीएफसी को कंट्रोल करती है कुछ एनबीएफसी सिर्फ हाउसिंग के लिए लोन्स देती है हाउसिंग फाइनेंस कर दिया अगर आपको घर खरीदना है तो हम आपको लोन देंगे कार वगैरह के लिए लोन नहीं देंगे उसको कंट्रोल कौन करती है एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक कुछ कंपनियां बराबर है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं फाइनेंसिंग करती हैं स्टॉक ब्रोकिंग मर्चेंट बैंकिंग म्यूचुअल फंड्स वेंचर कैपिटल तो सभी बोलता है मैं तुमको कंट्रोल कर लूंगी मतलब एनबीएफसी को कोई एक बॉडी कंट्रोल नहीं कर रही है जैसा उनका बिजनेस का नेचर वैसा उनका कंट्रोल चिटफंड कंपनीज निधि कंपनीज जो कि अब काफी हद तक बंद हो चुकी हैं लेकिन कुछ गवर्नमेंट आज भी चला रही हैं ना लेकिन अगर ऐसी कोई कंपनियां हैं बहुत ही लोअर लेवल पे तो चिट फंड कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और निधि आर मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तो सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं एनबीएफसी पे मालूम है क्वेश्चन कैसे आते हैं वो लोग पूछेंगे एनबीएफसी इज गिविंग अ फंडिंग टू दी हाउसिंग फाइनेंस हु इज रेगुलेटिंग तो एनएचबी NBFC जिसका नेचर है म्यूचुअल फंड बिजनेस में फाइनेंसिंग करना हुग्यटिंग से सेबी, तो आपको रेगुलेटर्स को पढ़ना होगा तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपके मॉड्यूल में भी नहीं है मजे की बात बराबर ना अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे है कंसिडर दॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी बराबर ना तो देखो क्या लिखा है NBFC that are housing finance companies are regulated by RBI. NBFC जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है क्या वो RBI से रेगुलेट हो रही है नहीं वो नेशनल हाउसिंग बैंक से रेगुलेट हो रही है तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स लेकिन ये false है, ये है पता करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी NHB रेगुलेट करती है राइट right? मैंने कहा ना गाइस हमारे नोट टू द्वाइंट है बराबर आप वीडियो ना भी देखें खाली इनको रीड कर लें, आपका डेवलपमेंट हो जाना है आपका अप्रोच एकदम से बदल जाएगा ठीक है एनबीएफसी दैट आर वेंचर कैपिटल वेंचर कैपिटल मतलब शेयर मार्केट काइंड ऑफ बराबर ना तो उसको सेबी रेगुलेट करती है ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है तो कौन सा आंसर होगा भाई फर्स्ट इज ट्रू सेकेंड इज फॉल्स बी इज द आंसर पैटर्न देखो अप्रोच देखो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं है ना यस yes. नाउ तो एनबीएफसी भी आपको समझ गया समरी ले रहा हूं रैपिड रिवीजन है ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूं क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है आपका हाई टाइम चल रहा है एग्जाम का टाइम है तो समरी देखो बराबर कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट शेयर मार्केट बराबर है ना कैपिटल मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट अरे बराबर यस yes. कौन रेगुलेट करता है भाई कैपिटल मार्केट को सेबी बराबर सेबी आपके एग्जीक्यूटिव में पूरा का पूरा एक सौ का सब्जेक्ट आने वाला है लेकिन अभी देखो सेबीज रेगुलेटरी बॉडी बराबर है ना हेडक्वार्टर है, मुंबई में चेयरमैन कौन है मदाबी पुरी भुज ठीक है याद रखिएगा ना फंक्शन क्या है फंक्शन आते हैं सेबी का क्या फंक्शन है तो आप जनरली भी पढ़ सकते हो आपको पता है सेबी कब आया जब हर्षद मेहता स्कैम्स हुए थे 1992 में। 1992 में स्कैम होने के बाद 1993 में सभी बनाई गई कि भाई अगर ऐसे स्कैम्स होंगे तो स्कैम में हर्षद मेहता ने पैसा कमाया होगा बराबर है वॉट एवर मे बी लेकिन आपको पता है मेजर नुकसान हमेशा किसका होता है मिडल क्लास लोअर मिडल क्लास के लोगों का रिच पब्लिक का भी नुकसान होता है पर वो सह जाते हैं बराबर है लेकिन मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के घर बिक जाते हैं ऐसा वापस ना हो और शेयर मार्केट पे लोग भरोसा करें बराबर है तो एक रेगुलेटरी बॉडी होनी जरूरी थी इसे उन्होंने सेबी बनाई सेबी ये श्योर करता है कि शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन तो होंगे लेकिन आपके साथ कभी चीटिंग नहीं होगी फ्रॉड नहीं होगा इन ट्रेडिंग नहीं होगी बराबर सेबी की जिम्मेदारी है कि वो एक सिक्योर्ड ऑनलाइन पोर्टल दे इसलिए आपके पास बी एस एस सी है सेबी टाइम टू टाइम इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है टाइम टू टाइम इंप्रोवाइजेशन लेकर आता है हमारे इंडिया में बहुत सारी फाइनेंशियल मोदी जी बाहर जाकर कहते हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट करो तो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट का पैसा आता है उनको भी कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है, बराबर है. तो यह सब काम सेबी का है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स कोर्स हमारे साथ चिटिंग ना हो जाए धोखा ना हो जाए बराबर। बराबर। ब्रोकर, ये है, है। बहुत सारा भी किया करोड़ों रुपए इन्वेस्ट फॉरेन वाले इन्वेस्ट करते हैं अचानक से पैसा निकाल देंगे तो शेयर मार्केट गिर जाता है इसे इंडियन इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान होता है उसको प्रोटेक्ट करती है प्रोहिबिट इन साइडेड ट्रेडिंग अंदर की इंफॉर्मेशन लीक होने पे शेयर मार्केट फ्लक्चुएट कर सकता है तो अंदर की इंफॉर्मेशन लीक ना हो उसे बचाया जाता है एंश्योर आर एजुकेटेड टाइम टू टाइम इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जाता है बराबर कि आप कैसे इन्वेस्ट करें कितना इन्वेस्ट करें कहां इन्वेस्ट करें ठीक है ये तरीके से तो सेबी बराबर नाउ के ये फंक्शन है बराबर नाउ सेबी के ऊपर देखो क्वेश्चन क्या आया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेबी एक्सेप्ट कौन सा फंक्शन नहीं है बराबर तो जिसको ये चार पॉइंट्स पता है वो नहीं है निकाल लेगा तो देखो अ स्टॉक एक्सचेंज अश्योर सेफ्टी एंड ट्रांजेक्शन इन्वेस्टर्स बाय फॉलोइंग गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस अ स्टॉक एक्सचेंज गिव इन्वेस्टर्स अ चांस टू डिस इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट कंटिन्यूसली स्टॉक एक्सचेंज प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट बिटवीन फॉर्म्स स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर कॉन्स्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड सिक्योरिटीज अब तुम बोलोगे सर ऊपर से तो मैच ही नहीं हो रहा हाँ लेकिन चीजें तो समझ में आ रही है अश्योर सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन पूरा कंट्रोल्ड है तो ये तो मेरा आंसर नहीं है क्योंकि ये तो उसका फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज गिव इन्वेस्टर्स अ चांस टू डिस इन्वेस्ट अपने को शेयर बेचने का मौका देता है शेयर खरीदने का मौका देता है ऑफ कोर्स तो ये भी मेरा ये तो उसका फंक्शन है तो ये मेरा आंसर नहीं है एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको गाइस पता है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस मतलब मोनोपोली ये काम सीसीआई का है बराबर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये सेबी का काम नहीं है तो दिस इज माय आंसर राइट नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड आपको पता है गाइस एनएसडीएल और सीडीएसएल अब क्वेश्चंस एनएसडीएल पे आए हुए हैं लेकिन एनएसडीएल सीडीएसएल ये दो बराबर है डिपॉजिटरीज है बराबर है ये बैंक्स है शेयर्स और डिवेंचर्स के बराबर नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड आपको अब आप पता है कि आपके शेयर्स आप फिजिकल नहीं है डीमेट में कन्वर्ट हो चुके हैं मतलब एकदम गायब हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड है जादू है इनविजिबल है लेकिन अब अगर आप कहते हो कि आपके पास रिलायंस के शॉर्ट शेयर्स हैं तो क्या गारंटी है सब तो हवा है तो गाइज वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल पैसों का बैंक कौन है बैंक्स ऑफ मनी कमर्शियल बैंक्स, शेयर्स का बैंक कौन है शेयर सिक्योरिटीज का बैंक कौन है एन एस इन्होंने आपके फिजिकल शेयर्स को डीमेट में कन्वर्ट कर दिया जो डीलिंग आसान हो गई है अब घूमना घूमने कभी कभी पहले फिजिकल शेयर्स हुआ करते थे हर्षद मेहता के टाइम पे नाइनटी टू में बराबर है ऐसा कहा जाता था कि हर्षद मेहता के इतने शेयर्स थे कि उनको शेयर्स रखने के लिए गोडाउन खरीदने पड़ते थे बराबर है अब गोडाउन की कोई जरूरत नहीं है आप करोड़ों शेयर खरीदो डीमेट है इनविजिबल है एप्स में ही स्टोर हो जाते हैं हाँ ना? Now, तो डीमेट हो चुके हैं लेकिन उसकी फिजिकल स्टॉक कौन मेंटेन कर रहा है तो एनएसडीएल और सीडीएसएल मेंटेन करते हैं सर तो फिर दो डिपॉजिटरीज बैंक क्यों है बराबर एनएससी एनएन एनएसडीएल एनएससी को सपोर्ट करता है सीडीएसएल बीएससी को सपोर्ट करता है बराबर लेकिन दोनों कंट्रोल्ड बाई ऑफ डीमेट इन इंडिया डीमेट आने के बाद दो ऑर्गेनाइजेशंस बनी क्योंकि दो स्टॉक एक्सचेंज है ना तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज के लिए दोनों डिपॉजिटरीज बैंक अलग होनी चाहिए थी तो एनएसडीएल और सीडीएसएल बना ऑल ऑफ यू पक्का पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है सेबी बी ऑब्वियसली एन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्योर sure, तो जो आपके शेयर्स की देखभाल करता है आपके शेयर्स की डिपॉजिट आपका शेयर्स को बराबर मेंटेन रखता है एनएसडीएल सीडीएसएल बराबर तो पैसों का बैंक कमर्शियल बैंक शेयर्स का बैंक एनएसडीएल सीडीएसएल ठीक है अब देखो क्या लिखा है अ डिपॉजिट कीप सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बराबर तो क्या एनएसडीएल लेकिन जिसको ये पता है उसके लिए ऑप्शन इजी है पर जिसको ये पता ही नहीं उसको समझ ही नहीं आएगा कि पूछना क्या चाहते हैं राइट प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्राइमरी मार्केट का मतलब है जहां पे शेयर्स जनरेट होते हैं जहां पे डायरेक्टली कंपनीज पब्लिक से डील करती है और सेकेंडरी मार्केट क्या है जहां पर पब्लिक पब्लिक से डील करता है कंपनीज नहीं होती तो शेयर ओरिजिनेट कहां से होते हैं प्राइमरी मार्केट से बराबर नाउ आईपीओ एफ इनिशियल पब्लिक ऑफर पहली बार शेयर कंपनियां इशू करती है, को वो मार्केट है बराबर एक बार शेयर इशू होने के बाद कंपनी पब्लिक से पैसा लेकर अपना बिजनेस करना शुरू कर देती है अब वो शेयर्स मेरे पास आ गए तो मुझे किसी और को बेचने हैं तो फिर आप शेयर मार्केट में आओगे बीएससी एनएससी तो बीएससी एनएससी इज अ सेकेंडरी मार्केट जहां पे एक पब्लिक दूसरे पब्लिक को बेच रहा है पब्लिक पब्लिक के साथ खरीद रहा है कंपनी साइड में हो जाती है ओ तो देखो मीनिंग ऑफर सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइमरी ऑफर ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटी जहां पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं सेकंड, थर्ड फोर्थ टेन टाइम्स अनदर नेम न्यू इश्यू मार्केट प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम न्यू इश्यू मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट आफ्टर मार्केट और शेयर मार्केट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आईपीओ एफईओ बराबर सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स वॉरंट डेरिवेटिव एंड मेनी मोर सारी चीजें चलती हैं पर्पज टू रेज द कैपिटल कंपनियां प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करती है कैपिटल रीज करने के लिए ताकि वो बिजनेस कर सके सेकेंडरी मार्केट खाली शेयर खरीदने बेचने की ट्रेडिंग कर सके बराबर ऑल ऑफ श्योर नाउ तो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट का ये क्वेश्चन शायद ये एक ही क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने ऑलरेडी ले लिया है देख लो कि प्राइमरी मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट इन विच बिजनेस फ्रॉम इश्यू एंड सेल न्यू सिक्योरिटीज टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा प्राइमरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है बराबर तो ये आप बताओ कौन सा प्राइमरी मार्केट शेयर नहीं है तो सुनो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस ये प्राइमरी मार्केट है क्योंकि कंपनी पब्लिक को बेच रही है तो ये मेरा आंसर नहीं है राइट इश्यू राइट इशू डायरेक्टली कंपनी शेयर पब्लिक को इशू करती है तो ये भी प्राइमरी मार्केट ही है कमर्शियल बैंक ए गाइस कमर्शियल बिल मनी मार्केट है शेयर मार्केट का पार्ट नहीं है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बराबर प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइमरी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है ओ हो हो हो, तो सर हमको ये कैसे समझेगा कमर्शियल बिल वगैरह क्योंकि आपने अभी तक मनी मार्केट नहीं पढ़ा आप मनी मार्केट पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा मनी मार्केट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन मनी मार्केट में मालूम है क्वेश्चन क्या आया है कि मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं तो सुनो सर लेकिन मनी मार्केट क्या है शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं खरीदे बेचे जाते हैं इज मनी मनी मार्केट मार्केट में लोन दिया जाता है यू आर डीलिंग विद मनी तो मनी बेचा नहीं जा सकता तो मनी को लोन तो दिया जा सकता yes. है यस मनी मार्केट में यू कैन गेट अ लोन फ्रॉम वन डे टू वन ईयर ये शॉर्ट टर्म लोन्स का मार्केट है बराबर दिस मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म लोन जनरली फॉर ए पीरियड ऑफ वन डे टू मैक्सिमम वन ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ वन डे टू मैक्सिमम वन ईयर एक दिन से लेकर एक साल तक अरे बेराब है वन डे टू वन ईयर ठीक है ना इट इज अ मार्केट डील्स विथ शॉर्ट टर्म लोन एक दिन से लेकर एक साल तक ऑल ऑफ इंडस्ट्र वन डे से वन ईयर तक

बराबर ना अब इधर देखो ट्रू ऑफ मनी मार्केट अगर समझा होगा तो दी मेन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर इक्विटी शेयर्स ना ये तो शेयर मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है तो ये तो फॉल्स हो गया इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन पूछा कि नहीं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैव मैक्सिमम टेन्योर ऑफ ईयर यस ये स्टेटमेंट ट्रू है शॉर्ट टर्म लोन मिलते हैं एक साल तक तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू कौन सा आंसर होगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू दी इज द आंसर हैलो बाय दिस चैप्टर नंबर फोर इज ओवर होप आपको ये वीडियो पसंद आया शेयर करना मिलते हैं एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट टेक्स के साथ बाय गाइज थैंक यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स